जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों इसी बीच एक बहुत ज्यादा दुखद खबर आ रही है, भारतीय क्रिकेट के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत जी का रुड़की के कहीं आसपास एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों अभी तक की खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत जी की हालत तो फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत ज्यादा भयावह था। मीडिया हवालों से जिस तरीके की फुटेज सामने आ रही है दोस्तों, उस फुटेज को देख के कोई भी समझ सकता है कि एक्सीडेंट कितना भयावह रहा होगा। बताया जा रहा है एक्सीडेंट के समय ऋषभ पंत अकेले ही ड्राइव कर रहे थे। दोस्तों अभी तक एक्सीडेंट की एग्जैक्ट वजह सामने निकल कर नहीं आई है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, गाड़ी कैसे अनकंट्रोल हो गई। गाड़ी को देख के दोस्तों साफ पता चल रहा है कि गाड़ी फ्रंट से ठुकी है, फ्रंट इंपैक्ट वजह से गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो चुकी है। और भयावह एक्सीडेंट होने के बाद, इतनी तेज टक्कर होने के बाद गाड़ी में तुरंत आग लग गई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि ड्राइव करते समय ऋषभ पंत अकेले थे और वो अभी खतरे से बाहर बताए। दोस्तों इस तरीके के खतरनाक एक्सीडेंटों में किसी भी इंसान का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप फोटोज में देख ही सकते हैं गाड़ी की हालत किस तरीके से बिखर गई है, और डिवाइडर भी देखिए दूर तक तोड़ते हुए। इसीलिए दोस्तों आप लोग भी सेफ ड्राइव करिए, कंट्रोल में गाड़ी चलाइए, जरूरत से ज्यादा स्पीड से नहीं चलाइए। आशा करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे दोस्त इस खबर से सबक लेंगे और सेफ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।